दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। इन आईओएस डीलेट को लेकर पल पल की अपडेट हम आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करें और बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है इन आईओएस डीलेट को लेकर, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले निवेदन करेंगे कि चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जितने भी एन आईओएस डीलेट हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों लगातार हम आपकी अपडेट दे रहे हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा लीक हुई थी, उसमें सभी अभ्यर्थी एकत्रित हुए और फाइनली टीचर्स और अभ्यर्थियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को रद्द कर दिया गया, ठीक है। अब जो यहां पर बात आज आ रही है कि यहां पर पुलिस कांस्टेबल के बाद एनआईओ डीलेट को लेकर अभ्यर्थियों का जो डिमांड था कि यहाँ पर एनआईओ डीलेट को प्राइमरी में मौका दिया जाए, तो इसके लिए दोस्तों अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका दायर हुई, ठीक है, उसको तो छोड़िए, ठीक है, वहां से जो न्याय मिलेगा मिलेगा, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि गवर्नमेंट यहां पर इस पर कदम उठाए, क्योंकि अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती अगर सुप्रीम कोर्ट जाते तो वहां पर उनको न्याय मिलना मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता और वहां पर साक्ष्य अगर ना हो पाते तो बहुत देरी हो जाती, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं यहां पर हम लोग एक मांग करने जा रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से दिल्ली के लिए, इसमें आप लोग सपोर्ट करिएगा। बाकी जो ये न्यूज़ सर्कुलेट की जा रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, ये न्यूज़पेपर कटिंग बिल्कुल फेक है। जैसे इसके संबंध में कोई अपडेट आएगा हम आपको सूचित करेंगे। जी।